नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धनवान होना चाहता है, लेकिन धनवान वो कब बन सकता है जब तीन चीज उसके अनुकूल हों। और वो हजारपति से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, और अरबपति से बहुत बड़ा पूंजीपति वो बनना चाहता है, लेकिन कब और कैसे बन सकता है? तीन चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आपके भाग्य का साथ देना बहुत आवश्यक है। अब कोई आदमी ये कहे कि भाग्य क्या करेगा? जब आदमी कर्म करने से और जीवन के अंदर उज्जवल भविष्य को प्राप्त कर सकता है। कई लोग जो हैं ये भी कह देते हैं कि हाथ की लकीरों से भाग्य नहीं बनते, सर के पसीने से जो है भाग्य बना करता है। तो अगर केवल पसीना बहाने से ही अगर किसी का भाग्य बन जाए, तो फिर तो मजदूर तो सबसे पहले अरबपति खरबपति बनेगा। लेकिन मजदूर, दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला, वो अपने लिए एक झोंपड़ी से बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि वो भाग्य साथ में लेके नहीं आया। कर्म तो कर रहा है, लेकिन भाग्य साथ में लेके नहीं आया। तो सबसे पहले भाग्य, वो आपकी कुंडली बताएगी। दूसरे नंबर पर आपका उद्योग, कर्म, मेहनत, वो साथ में उसकी सपोर्टर हो सकती है। और तीसरे नंबर पर आपका सही वास्तु, अगर वास्तु सही है तो तीन चीज जब मिल गई तो आप 111 गुना बढ़ेंगे। एक एक और एक, पहले नंबर पर भाग्य, दूसरे नंबर पर मेहनत, तो 11 हो गई। लेकिन वास्तु ने भी अगर आपका साथ दे दिया तो फिर आप जो है 111 गुना बढ़ेंगे। आइए अब मैं आपको इसी संदर्भ में कि आओ चलें अमेरिकी ओर। अब अमेरिकी ओर कैसे चलें? अगर मान लीजिए गलत वास्तु आपका है और कहीं पर टी पॉइंट का प्लॉट आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आपके कदम वैसे ही पीछे हट जाएंगे कि यार ये प्लॉट तो टी पॉइंट का है, हम इसको लें या ना लें। तो उसके लिए वास्तु ये कहता है, वास्तु शास्त्र और वास्तुविद ये कहते हैं कि घबराओ मत, हर चीज का इलाज है, लेकिन उसमें वास्तु अनुरूप होना चाहिए। अब ये नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ईशान कौन, अग्नि कौन, वायव्य कौन और नैऋत्य कौन है। अब यहाँ पर टी पॉइंट कहाँ बन रहा है? ये पूर्व की दिशा से ये रास्ता यहाँ पर आ रहा है और यहाँ टकरा रहा है, तो ये टी पॉइंट बनता है। तो अब इस प्लॉट को लें या ना लें, तो हम तो ये कहते हैं उसको ले लीजिए, लेकिन उसका उपयोग भी आप हमारे कथनानुसार, हमारे विचारों के अनुसार और वास्तु विद्या के अनुसार उसका उपयोग कीजिए। अगर ये टी पॉइंट इधर से बन रहा है या फिर दक्षिण साइड से अगर ये टी पॉइंट बन रहा है, दोनों ही दिशाओं में आपको करना क्या है, इसमें इस कॉर्नर के ऊपर एक दुकान बना देनी है। एक दुकान बना करके और इधर पीछे आपको बड़े बड़े पेड़ लगा देने चाहिए जो आपकी इमारत को ढकते हुए ऊपर निकल जाए। इस प्रकार के पेड़ आपको यहाँ पर लगा देने चाहिए और यहाँ पर एक दुकान बना देनी चाहिए। लेकिन वो दुकान का उपयोग क्या करें, इस्तेमाल क्या करें, किस चीज़ की दुकान करें? तो ये है बंधुओं अग्नि कोण साउथ ईस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर दुकान करने वाली कोई लड़की है तो वो वहाँ पर सबसे पहले ब्यूटी पार्लर खोल ले, क्योंकि अग्नि तत्व, अग्नि का मतलब होता है निखार, उज्ज्वलता, प्रकाशित करना, यानी सुंदरता के अंदर जो है चार चांद लगाना। तो ये यहाँ पर आप ब्यूटी पार्लर की दुकान कर सकते हैं, यानी ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। ये सबसे पहली चीज है। दूसरे नंबर पर आप यहां पर कोई भी आभूषण का काम कर सकते हैं।
क्योंकि वो भी सौंदर्य को बढ़ाने वाले होते हैं। आभूषण के साथ साथ आप यहां पर कोई भी हमारे जो मेकअप में काम आने वाली वस्तु होती हैं, उन चीजों की दुकान भी आप कर सकते हैं। सुनार की दुकान कर सकते हैं, कोई भी भट्टी आप यहां पर लगा सकते हैं जिसके अंदर भट्टी का काम होता है, अग्नि का काम होता है। तो सुनार के काम में स्वर्णाभूषण बनाने के अंदर भी जो है अग्नि का काम होता है, वो भी हो सकता है। आभूषणों का शोरूम भी यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें भी आप जो हैं यहाँ पर रख करके और आप उसकी बिक्री कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने जो मैंने सबसे पहले बताया ब्यूटी पार्लर आप यहाँ पर खोल सकते हैं, चाहे वो पॉइंट इधर से आ रहा है, इधर से टी पॉइंट बन रहा है, या फिर साउथ की साइड से टी पॉइंट बन रहा है, उसको यहाँ पर ये लेकर के आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी की जगह उसका आप पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे, बड़े वृक्ष जो ऊंचे तक जाने वाले हों, वो आप यहाँ पर लगा करके लाभान्वित हो सकते हैं। और बाकी अगर आपकी कोई भी निर्मित अनिर्मित विचाराधीन कोई बिल्डिंग है, या आपका घर है, दुकान है, मकान है, गोदाम है, फैक्ट्री है, आपका चिकित्सालय है, फार्म हाउस है, स्कूल है, कुछ भी आपका जो है निर्मित अनिर्मित भवन है, उनको निर्माण करना है, तो भी आप सलाह ले सकते हैं। और आप निर्मित भवन के अंदर भी अगर कोई सुधार करना चाहते हैं तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के विजिट भी आप करवा सकते हैं और नक्शा लेकर के आप मिल भी सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये तीन पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये दो नंबर की पुस्तक और तीसरे नंबर की पुस्तक है, जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन तीन पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838889841। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838889841। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।